हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर निबंध लाई हूँ और ये उनकी जीवनी भी है दोस्तों, तो आप इसे चाहें तो अपने एग्जाम्स और असाइनमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सुनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर निबंध। शुरू करते हैं प्रस्तावना के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के उत्थान के लिए आने वाले नेताओं में शिरोमणि माने गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता, अछूतों दलितों के उत्थान में अग्रणी व महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ मुखर करने वाले एक प्रबल नेता थे, साथ ही साथ एक जुझारू मेधावी और संकल्पवान व्यक्ति भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ख्याति सिर्फ भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में उनके किए गए भारत के संविधान निर्माण की वजह से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत को दलित बौद्ध आंदोलन के लिए प्रेरित किया व अछूतों के सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद के अंबावड़े गांव में 14 अप्रैल 1891 में हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती भीमाबाई था, जो एक सात गंभीर विचारधारा की महिला थी। इनके पिता रामजी राव सतपाल थे, जो सेना में सूबेदार थे। वह भी एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे और पूजा पाठ धर्म कर्म उनके दिनचर्या में शामिल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन में पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान रहता था, मारपीट करने में ज़्यादा मन लगाया करते थे। पढ़ाई में उनका ध्यान बहुत कम रहा करता था। बचपन से ही वह रौबीले स्वभाव के थे और अपने साथियों में रौब जमाया करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए लड़ना व अपनी जाति के लिए हक की लड़ाई अपने बचपन से ही शुरू कर दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माहर जाति से आते थे। एक बार विद्यालय में उनके गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, और उनकी जाति के लिए उलाहना दी। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े क्रोध में आकर अपने गुरु पर चिल्लाते हुए यह कहा कि मेरी जाति का उल्लेख कर मुझे बार बार ना चिढ़ाया करें, अन्यथा इसका परिणाम आपके लिए बुरा होगा। बचपन में कई बार उनको छुआछूत और जातपात के भेदभाव का भी सामना करना पड़ा था, जिससे वह बहुत ही व्यथित रहते थे। विद्यालय घटना के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन बदल गया और उनकी रुचि पढ़ाई के प्रति बढ़ गई, और वह अब यह बताना चाहते थे कि पढ़ाई करके वह क्या कर सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत विषय में विशेष योग्यता हासिल करना चाहते थे, पर भारत में रहकर उनकी इच्छा पूरी ना हो पाई और इस विषय में उन्होंने अध्ययन जर्मनी में पूरा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा शहर के राजवाड़ चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल से हुई। माध्यमिक शिक्षा के लिए अंबेडकर जी का परिवार मुंबई चला आया, जहां इन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल से अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मैट्रिक शिक्षा पास की और इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले शायद वह अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। 1912 में उन्होंने मुंबई विद्यालय के अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएट किया और उसके बाद बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया।
1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरू से ही दलितों के अधिकार के लिए अपनी वाणी मुखर करते रहे और इसकी शुरुआत उन्होंने जब वह बड़ौदा सरकार में सेना के सैन्य सचिव के तौर पर कार्यरत थे वहां हो रहे शोषण के विरुद्ध में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और जब यह सब चीज़ें देख ना पाए तो उन्होंने बड़ौदा सरकार की नौकरी छोड़ अपने परिवार के लिए जीविका उपार्जन के लिए दूसरे साधन तलाश करने शुरू किए और निजी शिक्षण के तौर पर भी काम किया और एक निवेश सलाहकार व्यवसाय किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। डॉक्टर साहब मुंबई में सिडनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने और यह उनके लिए सफल भी रहा, पर वहाँ पर भी अन्य प्रोफेसर के द्वारा उनके साथ पानी पीने के बर्तन का साझा न करने पर उन्होंने उसका विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों व अन्य धार्मिक समुदाय के लिए प्रथम निर्वाचक और आरक्षण की वकालत शुरू से करते आए हैं। इस वजह से ही शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में सामंजस्य नहीं रहा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत मारे गए महार सैनिकों के सम्मान में भीमराव अंबेडकर ने कोरे गांव की लड़ाई में के अंदर शहीद हुए महार जाति के सैनिकों के सम्मान में कोरे गांव विजय स्मारक की भी स्थापना की और उस पर एक शिलालेख पर कोरे गांव की दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। अंबेडकर ने जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से अपराध मानते थे और इसका जिम्मेदार प्राचीन हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति थे। इसके कई पद खुलकर जाति, भेदभाव और जातिवाद का समर्थन करते थे। उन्होंने औपचारिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया और 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकरवादियों में के द्वारा आज भी मनाया जाता है। अंबेडकर जी काला मंदिर सत्याग्रह भी इतिहास के पन्नों में एक अमर सत्याग्रह है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलित हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने आरक्षण और निर्वाचन के लिए ब्रिटिश अधिकारियों की अनुमति भी पाली, जिसका विरोध गांधी जी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दक्षिण एशिया के इस्लाम धर्म का भी बहुत बड़े आलोचक रहे, जिसमें उन्होंने बाल विवाह और महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का भी घोर निंदा की। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मुस्लिम धर्म में हिंदू समाज से भी कहीं अधिक ज़्यादा सामाजिक बुराइयां हैं और मुस्लिम धर्म भाईचारे जैसी शब्द के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अर्जन वर्गों के खिलाफ भेदभाव, जिन्हें निचले दर्ज का माना जाता था, के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी प्रथा की भी आलोचना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में दलितों व शोषितों के उत्थान के लिए कई संगठन बनाए, दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाते रहे। 1942 से 1946 के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय के कार्यकाल में परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की। मुंबई विधानसभा के सदस्य के तौर पर 1937 से लेकर 1942 तक सेवाएं प्रदान की। मुंबई विधानसभा परिषद के सदस्य के तौर पर उन्होंने 1926 से लेकर 1936 तक सेवा प्रदान की। हिल्टन यंग कमीशन के सामने भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही प्रस्तुत किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक जीवन में खुलकर अनुच्छेद 370 का विरोध किया था
और वह समान नागरिकता संहिता के पक्ष में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता के तौर पर हमेशा याद किए जाते हैं। संविधान निर्माण की समिति में यह प्रमुख सदस्य के तौर पर थे जिन्होंने विभिन्न देशों के संविधान के अच्छे तत्व को भारत के संविधान में शामिल किया। अंबेडकरवादी। अंबेडकर जी के सिद्धांतों और विचारधाराओं को मानने वाले लोग अंबेडकरवादी कहलाए। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवता, सत्य, अहिंसा आदि के विषय में अंबेडकरवाद के कई सिद्धांत दिए गए हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार लाना, भारत ने बौद्ध धर्म का प्रचार करना, भारत संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना एवं जाति मुक्त समाज की रचना, भारत देश प्रगति, यह प्रमुख उद्देश्य अंबेडकरवाद से मिलते हैं। अंबेडकरवादी नीले रंग के झंडे पर जय भीम लिखकर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। नीला रंग अंबेडकर जी को बहुत पसंद था क्योंकि उनका यह मानना था कि यह समानता का प्रतीक है। जैसे आकाश का रंग नीला और सबके लिए समान है, उसी प्रकार उनका पंथ और विचारधारा सबको बराबर मानती है। लगातार कई वर्ष तक हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता, छुआछूत और विभिन्न प्रकार के भेदभाव के खिलाफ लड़ते लड़ते जब उनको एहसास हुआ कि धर्म के सुधार में वह असफल हो गए, तब उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, उसमें उनकी मृत्यु 65 वर्ष थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली भारत में है। वह समाधि स्थल चैतन्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोधिसत्व भारत रत्न, पहले कोलंबियन हेड ऑफ द हर टाइम, द ग्रेटेस्ट इंडियन आदि पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। उपसंहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए और उनको आघात पहुंचाने वालों को सावधान व सचेत करने के लिए कई तरह के आंदोलन चलाए और उनके इस अभियान में उनका साथ देने वालों ने जमकर देश के अंदर समानता की वकालत की, अपने अद्भुत प्रतिभा और बल से समाज का उत्थान किया। निश्चय ही सत्यपूर्ण कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर एक कर्म का एक ही उद्देश्य होता था कि समाज में उपेक्षित पिछड़े वर्ग को समाज में बराबर का दर्जा दिलवाना व उनके मार्गदर्शन कर उनके हक के लिए जागरूक करना था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये निबंध पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लिए। अगली वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।